खिल गई है फूल, आ रही है सुगंध। आप देख सकते हैं ये पिछले बार जो है कली थी और अभी पूरे खिल गए हैं और ऐसा है। और ये काटा है, ये आप देख सकते हैं इसमें भी, ये दूसरा दिन उसका बनाएंगे, वो हजार मोगरा है। तो फिलहाल खिल गई है फूल, आ रही है सुगंध, खिल गई है फूल, आ रही है सुगंध। हंस दीजिए दोस्तों, क्यों रहे हो मुस्कुरा मंद मंद। नमस्कार, ASMATCH YouTube चैनल के और वीडियो में आपका स्वागत है। तो जल्दी से प्रारंभ करते हैं वीडियो को और चलते हैं। हरी भरी वादी, इधर है धनिया, इधर है चना, इधर है धनिया। हरी हरी भरी वादी, इधर है धनिया, इधर है चना और इधर है दादी। जी हाँ, हम लोग फिर उसी जगह पे आ गए हैं, गन्ना के बाड़ी में। और फिलहाल यहाँ पे गन्ना का कार्य खत्म हो गया है और सब कुछ समाप्त हो गया है, फिर भी अवशेष के रूप में कुछ जानकारी लेने योग्य कुछ बातें हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर जानने के लिए आए हैं। इसके पहले मैं आ गया था और इसके बाद आया हूँ, और बीच में नहीं आया, मतलब जिस समय काम चल रहा था नहीं आ पाया, लेकिन कुछ कुछ फुटेज मिला है उसको मैं लेयर में डाल के आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। और इनका प्रोसेस रात में हुआ इसीलिए मैं आ नहीं पाया, फिर भी हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। कुछ बातें हैं, कुछ दबी हुई बातें जिसको जानना चाहिए आपको भी हमको भी। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इनके माध्यम से, किसान के माध्यम से। तो चलते हैं जल्दी से वहां। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नजारा है, आप देख सकते हैं ये कढ़ाई ये जल चुका है, ऊपर तरफ जो है कार्बन लगा हुआ है, उस समय ये जला हुआ नहीं था। और आपको दिखाना चाहेंगे ये चूल्हा, और चूल्हा में जलाए हैं, राख हो गया है, आप देख सकते हैं इधर से लकड़ी डाले हैं और इधर से जो है धुआं निकला है। हम आपको पहले दिखा चुके हैं इस जगह को, रात में ये सब प्रक्रिया हुआ तो हम लोग आ नहीं पाए, फिर भी एक समझ सकते हैं यहाँ पर ये काम हुआ है ये सब को। अच्छा, कढ़ाई डालने के बाद आप देख सकते हैं मिट्टी को जो है कच्चा मिट्टी को इसमें पैक किया गया है ताकि इसका ईंधन जो है बाहर न निकले करके, आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये है, और ये कढ़ाई जो है जला हुआ है, इन लोग रात में किए। और ये अपना डोंगा है, डोंगा को उल्टा के थोड़ा दिखा पाएंगे क्या? इसको आप डोंगा को हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसमें गुड़ बनाया गया था और गुड़ का अवशेष अभी भी है, आप देख सकते हैं ये, इसको रगड़ रगड़ के निकाला गया है और इस गुड़ को जो है बनाया गया है। आपके यहाँ कितना गुड़ हुआ? गुड़ एक कुंटल। एक कुंटल हुआ, एक घना में, एक घना में, एक घना में 30 किलो निकलता है, एक घना में 30 किलो। घना मतलब आप देख सकते हैं ये जो कढ़ाई है इसमें एक कढ़ाई में इनका 30 किलो निकला, ऐसे बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे आप उस, आप इधर आइए, जैसे ये घना है तो इसमें रस निकालते हैं तो रस कितना दूर तक रहता है इसमें, आप थोड़ा सा बताएंगे ये कढ़ाई में कितना दूर तक रहा होगा? इतना, अच्छा इतना इतना रस डाले हैं गन्ने का तो इसमें 30 किलो निकला है। 30 किलो तो अपने यहाँ आपके जो एरिया में जितना गन्ना था उसमें 90 किलो लगभग एक क्विंटल निकला है, ऐसे मान के चलो, है ना? अच्छा, और ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है 6 से 6 मतलब शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा इसके लिए, मतलब दिन भर इन लोग गन्ना को काटे। आप देख सकते हैं ये उसका अवशेष है, तो इसको काटे, काटने के बाद जो पोड़ है भैंसा है उसको रेडी किए और यहाँ पे गोल गोल राउंड राउंड घुमाए और यहाँ से रस निकाले। आप देख सकते हैं ये जो जार है कहना चाहिए उसमें निकाले, उसके बाद इस कढ़ाई में रखे और कढ़ाई में रखने के बाद उसमें गर्म किए। आप देख सकते हैं ये भट्टी यहाँ पे गर्म किए, गर्म करने के बाद वो जब गुड़ का रूप धारण कर लिया, थोड़ा सा कड़ापन आ गया तो उसको जो है इसमें डाले। ये है एक प्रकार का डोंगा, डोंगा में डाले, डोंगा में जब ठंडा हो गया तो ठंडा होने के बाद उससे गुड़ बनाए। तो ये प्रक्रिया लगभग बता रहे हैं कि 6 से 6 मतलब पूरा रात भर करे। तो रात में हम लोग आते भी तो इतना ज़्यादा हम लोग दिखा नहीं पाते, लाइटिंग का समस्या रहता और रात में आना थोड़ा सा मुश्किल भी था, इसीलिए मैं ये वीडियो आपको बताया तो था कि दिखाऊंगा करके, लेकिन दिखा नहीं पाया। फिर भी शाम को आया था जब अपना स्कूल का छुट्टी हुआ तो उसके बाद आया। तो आने के बाद इन लोग क्या कर रहे थे, जो गन्ना है उसको काट के ला रहे थे, और लाने के बाद हमको जो है मतलब गन्ना का रस भी दिए,
जिसमें धनिया का पत्ती और मिर्ची के माध्यम से मिला के एक प्रकार का शरबत बनाया गया था और हमको दिए, बहुत अच्छा लगा। मैं घर भी लेके गया था, आपको वो लेयर में लगा के दिखा भी दूंगा। और कुछ बच्चे जैसे उस समय, मतलब जो भैंसा था वो आया नहीं था इसको राउंड राउंड गोल गोल घुमाने के लिए, तो कुछ बच्चे यहाँ तक के सर जो है अपने अपने मेहनत करके हम लोग उसको राउंड राउंड घुमाएं और उससे रस निकाले और उस रस को पिए, बड़ा मजा आया। तो खैर ये सब तो हो गया, उसके बाद रात हो गई। रात को जब इन लोग अपना काम किए, मेरा बहुत मन था कि यहाँ पे गुड़ किस प्रकार से बनाया जाता है, इस डोंगे से इस प्रकार से गोल गोल करते हैं, उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, ये सब दिखाने का मन था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, दिखा तो नहीं सके, लेकिन हमारे जो दादाजी है इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब प्रोसेस क्या किए। और फिलहाल हम लोग जाते हैं गन्ने के उस बाड़ी में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हम आ गए गन्ने के बाड़ी में, आप देख सकते हैं ये छोटा सा बाड़ी है, लेकिन बाड़ी छोटा हो या बड़ा अनुभव तो वही रहता है, किसान का अपना एक अनुभव कि इसको किस प्रकार से उगाते हैं और किस प्रकार से इसका रखवाली करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति से इन लोग नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ अनुभव जो इन किसानों को इस उपज के पैदावार में लगा है उस अनुभव को हम जानने का प्रयास करते हैं और सीधा उनसे ही पूछ लेते हैं। तो ये बताइए, ये जो गन्ना का खेती है आप कब से कर रहे हो? 10 साल से आगे। 10 साल हो गया लगभग कर रहे हैं तो। और आप देख सकते हैं आसपास के क्षेत्र में धान वान लगाया गया है और हमारे स्थानीय में इसको एक प्रकार का बेड़ा बोलते हैं, छोटा सा खेत है, इसके मध्य में ये गन्ना उगाया जा रहा है। तो ये गन्ना आप 10 साल से करते आ रहे हैं, तो ये बताइए हर साल इसका बीज के रूप में गन्ना को लाते हो या कैसे करते हो? इसका बीज का तो इधर, इस साल इधर है तो और साल उधर चलेगा ये बीज। अच्छा, इसी में नहीं चलेगा? ये भी चलेगा, दूसरा ये भी इसको छोड़ने से दूसरा में लगाना है। अच्छा, कि कब कब कितना साल बाद छोड़ते हो? ये तो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल भी चल, मेहनत से भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, जितना मेहनत करो कोई इतना लेस होगा। और जैसे आप काटे हो, नीचे से नहीं काटे हो, कुछ कुछ छोड़ दिए हो? हाँ। इसको तो फिर इसको जलाना है। अच्छा, जला दोगे? हो। अच्छा, इसको पत्ता छाव के बिछाना है। हाँ। और इसको आगे जलाना है। अच्छा, आगे जलाने के बाद इस जड़ को काटना है, इस जड़ को सब इधर काटना है। अच्छा अच्छा, काटने के बाद निकी भैया ये हॉल में जोतना है, उसके बाद कुछ लेना है। अच्छा, ये बताइए जैसे आप अभी ठंड का समय है, इसके बाद गर्मी आ जाएगा, तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पत्ता है उसका, इसको आप जलाएंगे, जलाने के बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद जो कोयला कहना चाहिए वो पूरा मिल जाएगा और सब समान समतल हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे आप। पानी डालने के बाद छोटे छोटे जो है उसमें गाजा निकलेगा, अंकुरण होगा, है ना? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो कुदाल में कोड़ना है, तो हल में जोतना है। हल में जोतेंगे, मिट्टी को थोड़ा सा हल्का करना, हल्का करेंगे। हाँ, उसके बाद? उसके बाद हल्का के बाद कुछ नहीं, फिर बतर मास आवा के भैया। हाँ, गंजा मास। हाँ हाँ, बरसात में होए, बरसात में खत डालना है। हाँ, डेफी एरिया जी। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद डोना बढ़ेगा ना। हाँ, तो बूटा बूटा करके बांधना है। अच्छा, और इधर 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 इधर। अच्छा, ये बताइए आप बोल रहे हैं कि ये 10 साल से आप इसको कमा रहे हैं, है ना? तो हम देखते हैं गन्ना का कई सारा प्रकार रहता है, बहुत सारा, मेरे को तो मालूम नहीं है। आपका जो गन्ना है छोटा छोटा है, तो ये बताइए आप छोटा गन्ना ही क्यों लगा रहे हो जबकि बड़े बड़े मोटा मोटा गन्ना होता है, ऐसा क्यों? ये तो भैया छोटा वाला हल्का सा रस निकलता है जी, बड़ा वाला ज्यादा निकलता है जी जी, बड़ा वाला गुड़ कम निकलता है, छोटा छोटे छोटे में दूर ज्यादा निकलता है। अच्छा, इसमें पानी वन ज्यादा रहता है, बड़े वाला। अच्छा, इसमें पानी कम है, इसीलिए आप छोटे गन्ने को लगाते हैं, है ना? यदि यदि ये बिक्री के नाम से यदि आप गन्ने को लगाते तो बड़ा गन्ना जैसे लगाए रहते तो आपको लाभ होता, क्योंकि लोग जो है बड़ा बड़ा गन्ना को यूज करते, लेकिन आप जो है अपना उपयोग के लिए कर रहे हो, खुद के लिए गुड़ बनाते हो, आपको रस चाहिए, गुड़ चाहिए, इसीलिए आप जो है छोटे गन्ने का उपयोग कर रहे हो ताकि आपको अच्छा क्वालिटी का गुड़ मिल सके, है ना? तो ये बताइए आप ये जो छोटे गन्ना बोल रहे हैं इसका क्या नाम है? इसका 97। 97, और क्या क्या नाम रहता है? 62। अच्छा, और अरे कई प्रकार डना भैया। अच्छा अच्छा, कहते हैं क्या? टोनी फुल टोनी फुल टोनी, वो कैसा रहता है? ये भी
बड़ा रहता थोड़ा लाल दिखता है इसका। अच्छा, बाकी आपका ये छोटा छोटा गन्ना है, इसमें रस का मात्रा थोड़ा सा मीठा ज्यादा रहता है ना? मीठा। अच्छा अच्छा, तो वैसे ठीक है भैया, कम मीठा है, थोड़ा नून टाइप का लगता है। अच्छा, ये अच्छा अच्छा, एकदम तो मिठाई वाला है जी। और ये बताइए, आपका जो एरिया है बहुत कम दिख रहा है, और इसमें आप बोल रहे हो कि लगभग एक कुंटल गुड़ निकला है ना, तो हर साल लगभग एक ही कुंटल लगभग निकलता है, या किसी साल ज्यादा किसी साल कम, या फिर 19-20 रहता है, ऐसे कैसे? और साल ज्यादा निकलेगा कैसे? ये तो भैया इसमें देखो, एक दो 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 उधर है, हाँ। इसमें पांच निकलेगा इसका। अच्छा, भी निकलेगा। तो इसको कब लगाए हो, कब लगाए वाला है ये? ये वाला पर साल लगाए हैं। इनका कहना है कि जैसे ये लगाते हुए तो 10 साल हो गया है, लेकिन वर्तमान जो ये गन्ना है इसको पर साल माने 2 साल हो रहा है। तो एक साल तो छोटा सा उसका कंसा था तो कम निकला, दूसरा साल थोड़ा सा बढ़ा, तीसरा साल और बढ़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं ना? तो तीसरा साल में इसका उत्पादन थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बाद चौथा साल फिर उसके लगाओगे कि कैसे करोगे? नहीं, ये रहना है। नहीं, चौथा साल भी यही रहेगा, उसका दौर बढ़ेगा? हो, बढ़ेगा। अच्छा, तो मेहनत के हिसाब से है? मेहनत की बात नहीं। तो एक हिसाब से गन्ना में ज्यादा मेहनत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेहनत तो भैया ज्यादा मेहनत नहीं लग रहा है टाइप का लग रहा है, नहीं मेरे को लग रहा है। क्योंकि इनका कहना है कि जैसे ये गन्ना हो गया, इसको जला देंगे चारों तरफ, ये आप देख सकते हैं ये जो इसका पत्ता है इसको लेकर फैला देंगे, फैलाने के बाद जलाएंगे, जलाने के बाद सब बराबर हो जाएगा तो फिर उसको काट देंगे, जो ये आप देख सकते हैं ये ऊंचा ऊंचा वाला को काट लेंगे। काटने के बाद इसमें फिर पानी दे दिया जाएगा, हल चला दिया जाएगा, हल्का हो जाएगा मिट्टी। उसके बाद जब बरसात आएगी, जब घास होगा, तो उसके बाद फिर इसमें यूरिया डीएपी जो भी डाल देंगे, फिर वो गन्ना बड़ा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद उसको इधर उधर होने के बाद उसके पत्ते के माध्यम से उसको बांध लेंगे, दो चार गन्ना को ऐसे सपोर्ट देके। उसके बाद जब समय आ जाएगा तो फिर आज का जो प्रक्रिया था, कल का जो प्रक्रिया था, इस प्रकार से प्रक्रिया किया जाएगा और उसमें से गुड़ निकाल दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा है, आप अच्छा से यहाँ पे लगा रहे हो, बहुत अच्छा लगा, गुड़ भी मीठा लगा और आपके जो बोले वो भी मीठा लगा। तो चलो, बढ़िया, अच्छा जानकारी। छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ी पर बैठे हम, छोटी सी झोपड़ी, झोपड़ी पर बैठे हम, खुश रहिए दोस्तों, छोड़ो छोटे मोटे गम। तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और अभी जाते हैं अपना घर। तो अपन खा रहे हैं, ये देख सकते हैं चना दाल। हम लोग आए यहाँ पर और कुछ जानकारी लिए, खुद से देख कर जानकारी लिए, सामने वाले से पूछ कर जानकारी लिए, तो इनका 10 साल का अनुभव भी हमको पता चला। तो इसी प्रकार के विलेज लाइफ स्टाइल वाला वीडियो देखना आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।